मुंगेर से हम लोग भी लोकल बॉडीज के चुनाव लड़े हैं, वहां के कई लोग हमसे जुड़े हैं और कई लोगों की बात आई कि शहर से कुत्ते भी गायब हो गए हैं। हजारों के मीट भात नहीं, किन किन जानवरों का मांस खिलाया गया ये जांच का विषय है और इसके कारण क्या क्या बीमारी फैलेगी, शराब परोसा गया या नहीं परोसा गया ये तो जांच का विषय है। और अभी लगता क्या है, 7 दिन भी पार नहीं किया है, सबकी जांच करा लें, पता चल जाएगा कि कितने लोग शराब पिए हैं या नहीं पिए हैं। आप अगर जो कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं, उन्होंने बोला है तो उस विषय की पहले जांच करनी चाहिए ना, और जांच कर करके प्रमाणिकता के साथ विषय को उठानी चाहिए। अब शहर के अंदर मीट भात हजारों लोगों को खिलाया गया, लाठी चार्ज भी होते हमने देखा, जब लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था, मीट नहीं मिल रहा था, तो लोग कह रहे हैं कि शहर के कुत्ते भी गायब हो गए। अब क्या सच्चाई है, किसका किसका मीट बना, सरकार इसको गंभीरता से ले, क्या ये मीट खिलाने से अगर जो वोट मिल जाता तो बहुत सारे यहां लोग थे मीट खिलाने वाले, अरे वो जानवरों का क्या, वो तो आदमी के भी मीट खाते थे, लेकिन उसका हरस क्या हुआ, मिट गए। अनर्गल बयानबाजी कि हम केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, प्रमाणिकता आप लाइए, आप जांच करवाइए कि शराब नहीं पिया है, जितने लोग मीट खाए हैं, लोग बता रहे हैं कि कई हजार लोग मीट खाए हैं, तो कई हजार की जांच तो पहले करा ले कि शराब पिया है कि नहीं पिया है, नहीं पिया है तब आपका आरोप सही होगा। और इस तरह का व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार की दिवालियापनी है कि सरकारी पैसे से आप ये जो आयोजन कर रहे हैं और सरकारी पैसे से लोगों को इस तरह के वातावरण बना रहे हैं, जितने ठेकेदार हैं, जितने संवेदक हैं, सबको सुपुर्द कर दिए आपने, संवेदकों का पैसा को इस तरह के वातावरण बना रहे हैं, जितने ठेकेदार हैं, जितने संवेदक हैं, सबको सुपुर्द कर दिए आपने, संवेदकों का पैसा इस भोज में लगा है और लखीसराय से लेके मुंगेर बिहार के बड़े बड़े संवेदक से पैसा वसूला जा रहा है।